की है। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं बदायूं से मुस्लिम खा प्रत्याशी बनाए गए हैं, बरेली से छोले लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए। तो देखिए बीएसपी ने अपने नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। मैनपुरी से शिव प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है और बदायूं से मुस्लिम खा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए बीएसपी की तरफ से बरेली से छोटे लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं सुल्तानपुर से उदराज वर्मा बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस बार फरुखाबाद से क्रांति पांडे, वहीं बांदा से मयंक द्विवेदी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें से देखिए मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ा दाव खेला गया है मैनपुरी में। और वही देखिए बरेली से छोटे लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए हैं, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, फरुखाबाद की बात की जाए तो क्रांति पांडे हैं और बांदा से मयंक द्विवेदी हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और इसी बीच नए प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी, जिसमें से बताया जा रहा है कि मैनपुरी से इस बार यादव परिवार से प्रत्याशी बनाया गया है और देखिए सुल्तानपुर से उदराज वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं फरुखाबाद से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है और बांदा से मयंक द्विवेदी हैं। और डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं, बलिया से लल्लन सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं और जौनपुर से श्रीकला सिंह प्रत्याशी बनाए गए। देखिए सबसे बड़ा दिलचस्प, देखिए लगातार कल से कयास लगाए जा रहे थे और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जौनपुर से बीएसपी प्रत्याशी बनाई गई है इस बार। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपने नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 11 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। जौनपुर से देखिए धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला को प्रत्याशी बनाया गया है और ये तमाम है जो नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी से इस बार शिव प्रसाद यादव को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बदायूं से श्री मुस्लिम खां है। आपको बता दें कि बरेली से छोटे लाल गंगवार को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है और वही देखिए जौनपुर से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, कल से खबरें चल रही थी कि श्रीकला को इस बार बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और बीएसपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए मैनपुरी ने जिन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसमें से बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाया गया है, मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव हैं बताया जा रहा है और सुल्तानपुर से उदराज वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं और देखिए फरुखाबाद से क्रांति पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं।